देखो यार, मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कितनी चलेगी, नहीं चलेगी, कितने लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, या फिर मेरा बस मोटिव ये है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर जो आपने द केरला स्टोरी देखी है, अगर जो आपने एक धर्म को टारगेट करके चल रहे हो, तो ये मूवी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ एक धर्म में नहीं है। धर्म की मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि ये धर्म आता ही नहीं है उनके लिए जो ये सब कांड करते हैं, जो भी हैं ये किसी धर्म के होते ही नहीं। इनके अंदर सिर्फ शैतानियत होती है, लोगों को तकलीफ़ देना, लड़कियों को तकलीफ़ देना, समाज को तकलीफ़ देना। मैं बात कर रहा हूँ एक रिलीज़ हो चुकी मूवी की, जिसका नाम है सिर्फ एक बंदा। मनोज बाजपेयी की मूवी है ये। प्लीज़ आप इस मूवी को देखें तो आपको आइडिया आएगा कि सिर्फ एक समाज में नहीं, हर एक समाज में ये सब चीज़ें चलती हैं। बात की जाए अगर जो एक्टिंग की, तो सब ने अपने किरदारों को इतने अच्छे से निभाया है, खास करके उस लड़की ने जिसकी कहानी इस मूवी के अंदर है। और मनोज भाई की क्या ही बात करें हम, इनकी जो फ्लोइंग एक्टिंग थी, जो डायलॉग्स थे, इसके अंदर वकील का किरदार कर रहे हैं। और मैं बता सकता हूँ आपको कि इस मूवी के अंदर कोई आपको मिर्च मसाला देखने को नहीं मिलेगा, जो प्रॉपर है ना यार, जो एक्चुअली में होता है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर। मैं थोड़ी बहुत कहानी बताता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे और जाके आप मूवी देखें। एक ऐसी लड़की जो जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और वो एक बाबा के पास जाती है ताकि उसका निवारण हो सके, यानी कि उसकी तकलीफ़ें सॉल्व हो सके। तो वो लड़की और उसकी फैमिली, यानी उसकी मॉम और उसके डैड, उसके साथ में बाबा के पास जाते हैं उनके आश्रम में। बाबा उनसे मिलता है और उनको कहता है कोई बात नहीं, आप बैठिए और मैं बच्ची को अंदर बुलाता हूँ और उनकी मैं हेल्प करता हूँ। तो बच्ची जब जाती है वहाँ पर, तो उसका वहाँ पर शोषण होता है वो बाबा के द्वारा, इन शॉर्ट रेप होता है, हाफ रेप होता है। तो वो कहानी की बिल्डअप वहाँ से स्टार्ट होती है। वो लड़की 4-5 दिन एकदम डिप्रेशन में होती है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो अगले दिन ही अपने मॉम डैड को बोलती है और फैमिली उसकी जाती है बाबा को ढूंढने के लिए। उसको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर उस पर केस करते हैं बाबा के ऊपर, और वो कहानी वहाँ से अपने बेस पकड़ती है और स्टार्ट होती है एक जर्नी वो लड़की की इंसाफ की। मैं आपको पूरी कहानी तो नहीं बता सकता, बट इतना प्लॉट समझा सकता हूँ कि ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो बहुत तकलीफ़ में है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप रिलेट कर सकते हो उस चीज़ से। अगर जो आप एक पिता हैं, एक बहन के भाई हैं, अगर जो आपकी फैमिली है ना, तो आप समझ सकते हैं इस पेन को कि उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसकी फैमिली पे क्या बीती होगी उस समय, और वो लड़की नाबालिग होती है। मैं बस इतना ही कहूँगा, एक बार इस मूवी को देखें, समझें चीज़ों को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बाकी आप मूवी जाके देखें, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय।